हमें अपनापा चाहिए, हमें लगाव चाहिए, या हमको नफरत चाहिए, झगड़ा चाहिए, जंग चाहिए, क्या चाहिए? शुरुआत अपने अंदर से होगी। तो मैं आपसे, मैंने कहा स्वराज अभियान अपने को देखे बिना, अपने को बदले बिना, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी बातें, पूरी दुनिया को बदलने की बात करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत लगाव के साथ इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं, इस बात की तरफ अपना अहद करते हैं कि हम एक फर्क किस्म के इंसान, एक जागा हुआ इंसान, एक मोहब्बत में यकीन रखने वाला इंसान बनने का हम अहद करते हैं, यकीन लाते हैं, अमल करते हैं, और उसके बाद हम एक बूस्ट काम के लिए निकलते हैं, जो कि दरवेश का काम है, साधुओं का काम है, फकीरों का काम है, या किसी भी नेक दिल आदमी का काम है। वो क्या? अमन का पैगाम, दिल की बात दिल तक पहुंचाना। लेकिन पहले अमल है, पहले अमल है। जब तक मैं मोहब्बत में यकीन नहीं रखता, जब तक मैं अमन को अपने अंदर, अमन को अपने अमल में नहीं लाता, अपने दिल की गहराई में नहीं उतारता, तब तक मेरी बात बड़ी खोखली होगी, बात खाली होगी। तो स्वराज अभियान की बात मैं दो मिनट बात करूंगा। मैं आपसे इस बात का यकीन साझा करता हूं, अपना अमल आपके साथ साझा करता हूं कि अगर मैं किसी एक नौजवान के साथ बैठा हूं, यहां तो मैं 40-50 बहुत बुजुर्ग हैसियत के, समाज के बहुत गहरे लोगों के बीच बैठा हूं, मैं इस यकीन को आपके साथ साझा कर रहा हूं कि इस वक्त आप हैं और मैं हूं। जैसे कोई अपनी इबादत करने वाले के साथ बैठता है, वो जो एहसास होता है, मैं उस एहसास को आपके साथ महसूस कर रहा हूं। एक बहुत बात काम में शरीक होने का एहसास मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूं। और वो जो मोहब्बत है, वो जो भाईचारा है, वो जो दोस्ती है, वो जो एक होने का भाव है, जो तू है वही मैं हूँ, तू भी उसकी रोशनी है, मेरे अंदर भी उसकी रोशनी है, वो रोशनी एक दूसरे से जब बात करती है, उसका हुक्म आपके अंदर भी उतरा है, उसका हुक्म मेरे अंदर भी उतरा है, जब वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के बात करती है, वही रोशनी आपके अंदर, वही रोशनी मेरे अंदर, वो जो मिलके एक बड़ी रोशनी की तरफ बढ़ती है, उसके सिवा कुछ है नहीं। तो हमारे लिए अमन की बात, हारमनी की बात हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है।